आप सभी लोगों के मन में कुछ डाउट रहता है। किस तरह का डाउट रहता है कि आखिर आप समझिए कि ये हमारा प्यारा भारत, ये तो हमारा हिस्सा है ही, लेकिन ये जल क्षेत्र है हमारे पास, ये कितने दूरी तक हमारा जल क्षेत्र है, हम कहाँ तक इसका उपयोग कर सकते हैं। और जितने भी महासागर हैं, जितना भी जलीय क्षेत्र है, ये व्यापार की दृष्टि से हो या फिर सामरिक क्षेत्र की दृष्टि से हो, फिर या आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से हो, आप समझते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि व्यापार, यहाँ से आप देखते होंगे कि आप लोग कि हम लोग यहाँ से अरब सागर होते हुए यमन, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, आप समझ रहे हैं, इस तरह हम लोग व्यापार करते रहते हैं, इस तरफ जाते रहते हैं। और यहाँ देखिए आप लोग कि अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्यों? इस पर पाकिस्तान का अधिकार है, और पाकिस्तान से हमारे कितने गिरे निचले स्तर के रिश्ते चल रहे हैं आप सभी जानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ईरान में हम लोगों ने चाबहार पोर्ट का निर्माण किया है, कहाँ? ईरान में। कि यहाँ से क्या होगा कि हम लोग यहाँ से होते हुए और यहाँ से हम लोग तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इस क्षेत्र में आसानी से हम अपनी कनेक्टिविटी रख सकते हैं। और वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि दक्षिण चीन सागर में चीन अपना हिस्सा बता रहा है, चीन कह रहा है कि ये हमारा पूरा हिस्सा है, वो इस तरह की जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि है उन्हें नहीं मान रहा है। कौन? चाइना, समझ रहे हैं आप लोग? फिलीपींस कहता है हमारा है, वियतनाम कहता है हमारा हिस्सा है, तो इसलिए भी ये चर्चा में काफी आ जाता है। क्या हो जाता है? चर्चा में आ जाता है। और एक संधि के बारे में भी आप लोग सुनते रहते होंगे, कौन सी संधि? संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि। ये भी कई बार आपके प्रीलिम्स हो या फिर आपके मेंस हो, इसमें आंसर लिखने के लिए भी आ जाता है, या प्रारंभिक परीक्षा में तो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है, फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस हो। और वैसे भी आपको मालूम तो होना चाहिए, आप समझिए आपके जहाँ भी आप लोग रह रहे हो, अगर वहाँ कोई नियम कानून ना हो तो कोई भी किसी भी जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि अपने पट्टे होती है, उसकी रजिस्ट्री होती है उस जमीन की, समझ रहे हैं आप लोग? तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग विस्तार से एक बात कर लेंगे समुद्री कानून संधि पर भी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। कब? 24 दिसंबर को। ठीक है, और इसके अगर मुख्यालय की आपसे पूछे कभी, तो इसमें इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसका काम भी यही रहता है कि इसके चार्टर में जो भी निहित उद्देश्य हैं और सिद्धांत हैं उनका निर्देशित करना। इसके प्रमुख भागों की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं इसमें? एक है आपका महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथे नंबर पर है न्याय परिषद, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठवा है आपका सचिवालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई भी निर्णय देता है तो चाइना कई बार उसको उस निर्णय को मानता भी नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इनके बारे में याद रखिए। और वैसे अगर आपको विस्तार से संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानना है तो मैंने एक पूरी क्लास ली हुई थी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें डली हुई है, वहाँ आप लोग देख लीजिए। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि के बारे में, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहने का मतलब है कि इसमें सभी जो देश इस समझौते को मानते हैं वो सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जो सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित करता है, इसकी बात कर रहा हूँ, आप समझिए इन्हीं इन महासागरों की। जैसे आप समझिए हिंद महासागर, इसमें हमारा कहाँ तक आखिर हमारा कब्जा है या हमारी जमीन कहाँ तक हो सकती है। और हिंद महासागर आजकल आप जो भी महासागर हो, व्यापार की दृष्टि से देखिए या आप समझिए सामरिक दृष्टि से, इसीलिए तो देख रहे हैं कि चाइना यहाँ दक्षिण चीन सागर में कई द्वीपों का निर्माण भी कर रहा है। और हो सकता है कि आप समझिए कि कल हमें हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि हमारे पास रहने के लिए जमीन ना हो, तब भी तो हमारे लिए महासागर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हर देश आप देख रहे होंगे कि इसमें मछली हो और भी संसाधन हो, तेल हो, कच्चा तेल हो या प्राकृतिक गैस हो, इनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की बात कर रहा हूँ। और समुद्री संसाधनों के प्रयोग के लिए नियम भी स्थापित करता है कि कौन देश कहाँ तक समुद्री संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। यह संधि सन 1982 में तैयार हुई थी, याद रखिए इस संधि तो 1900 माफ करिए 1982 में तैयार हो गई थी, लेकिन इसमें एक नियम था। वो नियम क्या था कि जब तक कि 60 देशों के नुमाइंदे इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं,
कहने का मतलब है कि जब तक 60 देश पूरे इसमें कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये संधि लागू नहीं होगी। बन तो 1982 में गई थी, लेकिन इसमें कमी रह गई थी कि 59 देश तो हो चुके थे, लेकिन 60वां देश आप देखेंगे 1994 में, कब 1994 में गयाना, इस पर दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर करने वाला 60वां देश बन गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 1994 से ये संधि लागू हो गई थी। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लास्ट देश था जिसके बाद ये संधि लागू हुई थी, तो ये था गयाना। ठीक है, अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इस संधि को आप लोग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ द सी कहते हैं, इसका शॉर्ट नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये हो गया महासागर, ठीक है, क्या हो गया, महासागर हो गया। अब आप कहेंगे कि इस तरह का नहीं होता है, तो आप लोगों को मानना है, और आप लोग वैसे कई बार आप लोग मैथ पढ़ते थे, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए वाई, समझ रहे हैं आप लोग मानने में क्या जाता है। तो मान लीजिए कि ये हमारी तटरेखा क्या है, ये है हमारी ये है तटरेखा, ठीक है, यहां से हमारा कितना हिस्सा है, यहां भी देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये है प्यारा भारत। यहां से आप समझिए कि हम एक आधार रेखा खींचेंगे यहां सभी तटों को मिलाते हुए, ठीक है, यानी कि आप समझिए कि वो वरना आप समझ सकते हैं कि हमारी जो तटे हैं ये ऊंची नीची हैं, कहीं आपकी झुकी अंदर झुकी हुई है, कहीं आपकी बाहर झुकी हुई है, तो इसको खींचते हुए एक हम लोग आधार रेखा खींचेंगे। आधार रेखा से अब हमारा समुद्र दूरी मतलब समुद्र में कितना हमारा अधिकार होगा, तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो इससे आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे तो हम लोग 12, क्या ये है आपका 12, हम क्षेत्र यानी कि अपने जो तट है यानी कि आधार रेखा है, इससे 12 समुद्री मील जाएंगे तो इसे आप लोग क्षेत्रीय जल कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, इस क्षेत्र को आप लोग क्षेत्रीय जल कह देते हैं, ठीक है, ये तट से हमारे 12 समुद्री मील होता है, इसे आप लोग प्रादेशिक क्षेत्र भी कहते हैं, या क्षेत्रीय जल या फिर आप लोग प्रादेशिक क्षेत्र भी कह देते हैं। इस क्षेत्र में क्या मतलब क्या क्या अधिकार होता है हमारा, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें हमारा संपूर्ण अधिकार है, यानी कि यहाँ जो भी संसाधन पाए जाते हैं हम उनका भी दोहन कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा मुंबई हाल, मुंबई हाई, यहाँ से आप लोग पेट्रोलियम पदार्थों का जो भी हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारा पूरा क्षेत्र है, यहाँ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और यहाँ से एक बार यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग 12, यहाँ हम 12 जाएंगे, 12 समुद्री मील या नॉटिकल माइंड है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, सभी संसाधनों का बिना झिझक प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसमें कि इसमें क्या है, आगे हम लोग बढ़ेंगे 24, यानी कि अपने तट से अपने जो भी हमारा तट है उससे हम लोग 24 समुद्री मील जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे आप लोग, निकटवर्ती क्षेत्र कहेंगे, क्या कहेंगे, निकटवर्ती क्षेत्र कहेंगे या फिर संलग्न क्षेत्र कहते हैं, क्या कह देते हैं, संलग्न क्षेत्र कह देते हैं। यहाँ कितना अधिकार है हमारे पास, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जो भी कर सकते हैं आप लोग, भारत को साफ सफाई का या फिर टैक्स, आप समझिए कोई अगर यहाँ से नौका गुजरती है या यहाँ से कोई व्यापार होता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ हम लोग टैक्स भी लगा सकते हैं। इसमें आप लोग यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से जैसे हम लोग 24 आपके समुद्री मील जाएंगे तो यहाँ तक हमारा रहेगा, यहाँ 24 मील तक क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ साफ सफाई भी कर सकते हैं और टैक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमारी सीमा है, यहाँ से अगर कोई गुजरता है तो हम लोग टैक्स भी लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे हम लोग जो आपका आधार रेखा है या तट है, यहाँ से हम लोग 200 समुद्री मील तक क्या कर सकते हैं, इसे कहते हैं आप लोग आरक्षित आर्थिक क्षेत्र या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या कह देते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ हम लोग अपना वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं, नाभिकीय परीक्षण भी कर सकते हैं और संसाधनों का उपयोग हम लोग यहाँ भी तक भी कर सकते हैं 200 समुद्री मील तक, लेकिन इससे बाहर 200 समुद्री मील से बाहर सभी का अधिकार समान होता है। आप समझिए कि एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन है उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि कब्जा रहता है, किस तरह से कब्जा रहता है कि वहाँ हम लोग भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, चाइना भी जा सकता है, वहाँ कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, वहाँ ये नहीं कह सकता है कि भारत कहे कि हमारा हिस्सा है। इसी को लेकर तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ
जो चाइना है, ये नौ आपकी नाइन लाइन डैश खींचे बैठा हुआ है। ये आपने देखा होगा कि 1947 की बात है, तब उसने चाइना ने क्या किया था कि पूरी लाइन खींच के कह दिया कि ये तो हमारा हिस्सा है। समझ रहे हैं आप लोग? वो इस संधि को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो समुद्री समुद्री कानून संधि है, इसे नहीं मान रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमेशा दक्षिण चीन सागर विवाद में बना हुआ है। ठीक है, एक बार इन सब की परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए। यहां तो आप लोगों ने देख लिया, ये है 200 आपका समुद्री मील। ठीक है, अंदरूनी क्षेत्र की जल की बात करें तो यह है बेसारे जलाशय और नदियां होती हैं जो किसी देश की जमीनी सीमा के भीतर हो। इन पर राष्ट्र अपनी मनमर्जी के नियम बना सकता है और किसी अन्य राष्ट्र की नौका को इसमें घुसने या फिर इनका उपयोग करने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं होता है। इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए ये हमारा प्यारा भारत, इसमें जो भी अंदर जो भी आपके जल क्षेत्र होंगे वो आपके ही रहते हैं और इस पर किसी का कोई भी नहीं आ सकता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें हम लोग की क्षेत्रीय जल की, तो यहाँ आप लोग देखेंगे किसी राष्ट्र के तट से, यानी कि हमारा ये यह है राष्ट्र भारत, राज्य कहने का मतलब या राष्ट्र कहने का मतलब देश ही होता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे यहाँ तक 12 समुद्री मील, यहाँ क्या कहा जा रहा है, 12 समुद्री मील के भीतर का क्षेत्र उस राष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है, यानी कि भारत का क्षेत्र माना जाएगा। इसमें वह राष्ट्र अपने कानून बना सकता है और जिस साधन साधन का जैसे चाहे वो प्रयोग कर सकता है बिना रोक टोक के। विदेशी नौकाओं को इस क्षेत्र से निश्चलन परिवहन करने का अधिकार है, जिसकी परिभाषा यह है कि वे बिना रोके सीधे इस क्षेत्र से होकर अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। उस राष्ट्र की सुरक्षा और शांति को किसी तरह का से भंग करने या भंग करने की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्र को इस निश्चल परिवहन पर भी कुछ समय तक रोक लगाने का अधिकार हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे क्षेत्र से अगर 12 समुद्री मील तक अगर कोई नौका जाती है किसी देश की, तो आपातकालीन स्थिति में हम लोग यहाँ भी रोक लगा सकते हैं, हमारा क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे निकटवर्ती क्षेत्र, ये कहाँ होता है, क्षेत्रीय जल से, या फिर आप देखेंगे यानी कि क्षेत्रीय जल कहने का मतलब है कि 12 समुद्री मील से और 12 जाइए, या फिर आप लोग तट से 24 जाइए। ठीक है, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। 12 समुद्री मील आगे, यानी कि आप देखेंगे तट से 24 समुद्री मील तक आगे जाने पर राष्ट्रों को अधिकार है, इसे आप लोग निकटवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं, कि चार पहलुओं पर अपने कानून लागू कर सकते हैं। विदूषण कर लगाना यानी कि टैक्स लगाना, सीमा शुल्क लगाना, या फिर आप्रवासन इमिग्रेशन, इस तरह की व्यवस्थाएं राष्ट्र के पास होती हैं निकटवर्ती क्षेत्र में भी। फिर एक आप सुनते हैं आरक्षित आर्थिक क्षेत्र, इसमें आप देखेंगे राष्ट्र के तट यानी कि बेसलाइन से 200 समुद्री मील बाहर के क्षेत्र में केवल उसी राष्ट्र का साधनों पर अधिकार होता है। जैसे आप भारत के बारे में देखिए, यहाँ आप देखिए भारत को, यहाँ से 200 समुद्री मील की बात कर रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे इसमें जो भी राष्ट्र को साधनों का पर अधिकार भी, आर्थिक अधिकार भी होगा, चाहे वह आप देखें समुद्र के फर्श से या उसके नीचे से तेल या फिर अन्य साधनों का निकालना हो, या फिर आप देखेंगे चाहे वह मछली पकड़ने का काम हो, इस क्षेत्र से विदेशी नौकाओं और विमान खुली छूट के साथ निकल सकते हैं। यहाँ विदेशी राष्ट्रों और कंपनियों को संचार तारे भी समुद्र के फर्श पर लगाने का अधिकार है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही कहानी है आपकी, क्या है, यही कहानी है आपकी। तो इन सबको आप लोग याद रखिए, क्योंकि इनसे आप जब भी दक्षिण चीन सागर या किसी देश का विवाद होता है समुद्र को लेकर, तब ये टॉपिक आपका चर्चा में आ जाता है और कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए एक बार और देख लीजिए आप लोग, कि मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारी आधार रेखा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप देखिए कि जैसे ही हम लोग 12 समुद्री मील जाएंगे, और एक बात और बता देता हूँ, 1 मील में 1.09 किलोमीटर होता है। अब आप लोग निकालते रहिए क्या होता है। ठीक है, 1 मील बराबर कितना होता है, 1.06, माफ करिए, 1.609 किलोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप लोग आधार रेखा से 12 समुद्री मील जाएंगे, तो इसे आप लोग क्षेत्रीय जल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रीय जल कहते हैं, या फिर आप लोग प्रादेशिक क्षेत्र भी कह देते हैं। इसमें आपका संपूर्ण अधिकार होता है, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि मुंबई में, आप देखते हैं मुंबई हाई, यहाँ आप लोग पेट्रोलियम का काम करते हैं निकालने का। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ हो गई 12 समुद्री मील,
यहाँ से और 12 चले जाइए, या फिर आधा रेखा से 24 समुद्री मील जाइए। यहाँ इसे क्या कहेंगे आप लोग, निकटवर्ती क्षेत्र कहेंगे या फिर संलग्न क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आप लोग सब साफ सफाई भी कर सकते हैं और आप लोग टैक्स भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ से किसी का कोई नौका गुजरती है तो उस पर आप लोग टैक्स भी लगा सकते हैं। फिर आप देखिए, आधार रेखा से आप लोग 200 समुद्री मील जाएंगे आप लोग, तो यहाँ क्या रहेगा, इसे आप लोग आरक्षित आर्थिक क्षेत्र कहते हैं या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें आपको जैसे आप समझिए वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं आप लोग, नाभिकीय परीक्षण भी कर सकते हैं, संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे बाहर जो भी आपका क्षेत्र होगा वो सभी का होगा। ठीक है, यानी कि उस पर किसी का अधिकार, एक का अधिकार नहीं होगा, सबका बराबर अधिकार माना जाएगा। ठीक है, और इस संधि के बारे में भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया कि इस तरह की जो भी सीमा आगे चल के एक तरह से विरोध प्रदर्शन ना हो, यानी कि दो देशों के बीच लड़ाई ना हो, इन सभी को रोकने के लिए निर्धारित कर दी गई है सीमा। ठीक है, और वैसे भी आप भी तो देखते हैं, मान लीजिए आपके घर के सामने मालूम ना हो कि आपकी जमीन कहाँ तक है, किसी की जमीन कोई पट्टा या फिर रजिस्ट्री ना हो, तो आप समझिए कोई आपकी जमीन पर भी कब्जा कर लेगा, वहाँ लड़ाई मची रहेगी। तो उन सबको रोकने के लिए रजिस्ट्री होती है या सीमा रेखा तय की कर दी जाती है कि आपकी जमीन यहाँ तक है। तो इसी तरह की समुद्रों को भी जो भी आपकी जमीन है या समुद्री जल क्षेत्र है उसे भी निर्धारित कर दिया गया है। तो यही कहानी थी आपकी संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि की, इसके बारे में यही पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है।